कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले रितेश बर्नवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सोमवार को यूथ कांग्रेस पार्टी के कांग्रेसी एवं NSUI संयुक्त रूप से SSP से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के प्रति रितेश बर्नवाल नामक फेसबुक ID से अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई की जाए। इस दौरान सुमित पांडे, योगेश प्रताप सिंह, पुनीत त्रिपाठी, अंकित पांडे, ललित निषाद, अमित कन्नौजिया, अतुल मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए अभिजीत पाठक ने कहा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिजीत पाठक, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस गोरखपुर। आज हम लोग यूथ कांग्रेस और NSUI के लोग और कांग्रेस जन माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर से मिलने आए हैं, और हमारी मांग ये है कि माननीय प्रियंका गांधी जी पे लल्लन टॉप द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, उनका न्यूज़ जारी किया गया था, उस पर रितेश बर्नवाल नामक व्यक्ति जो कि गोरखपुर से ताल्लुकात रखता है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखता है, उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारी मांग ये है माननीय महोदय से कि जल्द से जल्द विद इन 24 घंटे आप इस व्यक्ति को साइबर सेल को एक्टिव करके गिरफ्तार करवाएं, अन्यथा हम यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस जन यहीं पर SSP कार्यालय पर धरने पर बैठेंगे। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं SSP महोदय को कि आप तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर रितेश बर्नवाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करें।